नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ICICI बैंक में किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड हम कैसे रिडीम करते हैं या उसे हम कैसे सेल करते हैं, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं दोस्तों हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड को रिडीम करने के लिए हम ICICI बैंक की आई मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको आई मोबाइल का एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे, आप उसके द्वारा भी डायरेक्टली जाकर आपका म्यूचुअल फंड रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, अभी हम आई मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। आई मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों हमें हमारा नेट बैंकिंग का यूजर आई डी और पासवर्ड लगता है लॉगिन करने के लिए। अगर आपके पास नेट बैंकिंग का यूजर आई डी और पासवर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपका मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका मोबाइल बैंकिंग भी एक्टिवेट नहीं है तो आपको अपने ब्रांच में जाकर सबसे पहले अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद ही आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलते दोस्तों अभी हम आई मोबाइल एप्लीकेशन पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट नंबर और हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर और सारी डिटेल्स हमारे बैंक से रिलेटेड सब यहाँ पर ओपन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होम बटन पर जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दिख जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमें हमारा म्यूचुअल फंड रिडीम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ यहाँ बीच में आएंगे तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो चलते दोस्तों इसी ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड और इन्वेस्ट इन स्टॉक्स का दो ऑप्शन दिख रहा है, तो अभी फिलहाल हमें म्यूचुअल फंड रिडीम करना है तो उसके लिए यहाँ म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही हम म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओपन होकर आ जाता है, और यहाँ पर देखिए हमारे पोर्टफोलियो में कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पर दिख रहा है, और हमारा इस साल कितना गेन हुआ है, टोटल पोर्टफोलियो में कितने परसेंटेज का गेन हुआ है वो सब यहाँ पर दिख रहा है। अभी दोस्तों अगर हमें हमारा म्यूचुअल फंड रिडीम करना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो समरी के आगे एक एरो बटन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही हम एरो बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में हमने जितने भी कंपनी के म्यूचुअल फंड ले रखे हैं उन सब का लिस्ट हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। फिलहाल दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही कंपनी का म्यूचुअल फंड अभी फिलहाल अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी दोस्तों अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करना है तो आपको जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड रिडीम करना है उसके सामने देखिए कुछ इस तरीके से आपको तीन पॉइंट देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों म्यूचुअल फंड को रिडीम करने के लिए हमें जो ये तीन पॉइंट दिख रहे हैं इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पर सेल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों आपको बता दें अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सेल करना है, सेल करने के पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपको ये आगे जो है आपका जो म्यूचुअल फंड हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट होता था वो आपको कंटिन्यू रखना है या नहीं। अगर आपको वो भी कंटिन्यू नहीं करना है तो आपको यहाँ पर पहले नीचे देखे स्टॉप ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको अपना जो ट्रांजेक्शन है जो हर महीने आपके अकाउंट से कट रहा था उसे आपको स्टॉप कर लेना है। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ, स्टॉप ट्रांजेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो मंथली जो SIP यानी म्यूचुअल फंड का SIP चालू है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा 1500 का SIP मंथली चालू है, अगर आपको स्टॉप करना है तो उसे सेलेक्ट कर लेना है और नीचे स्टॉप सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंफर्म बटन दिख जाएगा, कंफर्म कर देंगे तो आपका जो ये ट्रांजेक्शन है 1500 मंथली SIP का वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों अगर आपका SIP का ट्रांजेक्शन स्टॉप नहीं करना है तो सिंपली आपको बैक हो जाना है और 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पर आपको सेल बटन दिख जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप सेल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड का जितना भी यूनिट आप अभी फ़िलहाल आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है वो सारा यूनिट यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते दोस्तों अभी हम सेल बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हम सेल बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो ICICI बैंक का म्यूचुअल फंड है वो कितना NAV है और उसका कितना वैल्यू है वो सब यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों आप अच्छे से इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए सेल नाउ का बटन दिख रहा है, वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सेल नाउ बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम सेल नाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमसे सेल्फ कंफर्मेशन पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर कैपिटल गेन और लॉस शो करता है। आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट और लॉस देख लेना है, उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर कट ऑफ अलर्ट लिखकर आ जाता है। आपको इसे अच्छी तरीके से रीड कर लेना है और रीड करने के बाद नीचे ओके बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखकर आ चुका है। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम डैशबोर्ड पर, उसके लिए यहाँ पर देखिए गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अभी दोस्तों हमारा ट्रांजैक्शन स्टेटस देखने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर थ्री लाइन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और नीचे देखिए ऑर्डर हिस्ट्री करके एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही हम ऑर्डर हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमने जितने भी ऑर्डर लगाए हैं बाय और सेल करने के लिए उन सब का डिटेल आपको यहां पर दिख जाएगा। यहां पर देखिए तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, इन प्रोसेस, प्रोसेस्ड और फेल्ड। अभी दोस्तों हमने जो सेल ऑर्डर लगाए हैं वो अभी देखो फिलहाल इन प्रोसेस में शो कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा मतलब कि सेल कंप्लीट हो जाएगा और अकाउंट में हमारे पैसा आ जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस्ड के ऑप्शन में शो करने लगेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा दूँ प्रोसेस्ड के ऑप्शन में हमने इसके पहले एक ऑर्डर लगाए थे सेल के, जो अभी फिलहाल यहाँ पर प्रोसेस्ड के ऑप्शन में दिख रहे हैं मतलब कि वो सेल हो चुका है और उसके पैसे भी दोस्तों हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका जो आपने ऑर्डर लगाया है बाय और सेल का उसका यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप जब भी कोई सेल ऑर्डर लगाते हो तो उसके बाद आपको करीब 10 दिन वेट करना होता है। 10 दिन के अंदर में दोस्तों म्यूचुअल फंड का बैलेंस आपके अकाउंट में रिडीम हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ICICI बैंक में किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड हम कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।